हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 o'clock और आज यांश का बर्थडे है और आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर में। हर साल उसके बर्थडे पे मंदिर में ही जाते हैं पूजा करने के लिए और बस वहाँ से आके यांश अब यहाँ पे लगा हुआ है चेहरू से प्ले करने। और देखो यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। मंदिर से हम 11 o'clock तक आ गए थे और बस शाम को हम यहाँ पे पहुँच गए हैं रियांश का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। इस बार के भी खुश है कि इसके जो न्यू स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो सब आने वाले हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी बहुत ही एक्साइटेड है। रियांश ने अपने बर्थडे पे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था। इसने प्रॉपर पूरी लिस्ट बना के रखी थी कि बर्थडे पे इसको क्या क्या करना है, किन किन फ्रेंड्स को बुलाना है, तो इस बार तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। रियांश के यहाँ पे सब फ्रेंड्स आ चुके हैं और स्टार्टिंग में इनको थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह खिला रहे हैं यहाँ पे। मैं आज तक इसका बर्थडे घर पे ही मनाती थी लेकिन इस बार इसकी डिमांड थी कि मम्मा मुझे बाहर करना है, क्योंकि इसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा आने वाले थे और घर पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतनी सारी गैदरिंग के साथ, तो इस बार हम लोग उसका बर्थडे यहीं पर मना रहे हैं। बस लास्ट में ये चेयर गेम में ना रियांश और आरवी बचे हुए थे और रियांश की यहाँ पे पूरी कोशिश थी कि मैं ही जीतूँगा, लेकिन मैच जो था वो थोड़ा टाई अप हो गया और दोनों ही विन कर गए इस गेम में। इस बार ना रिटर्न गिफ्ट्स की पैकिंग ना मैंने कुछ इस तरह से करके रखी थी। यहाँ पे मैंने मैजिशियन को भी बुलाया हुआ था और बच्चों ने यहाँ पे मैजिक शो देखा और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद बच्चों ने बहुत सारा डांस वगैरह भी किया और भी बहुत सारी गेम्स खिलवाई गई उनको। हमें ना इस बार के बर्थडे पे थोड़ा सा लगा कि रियांश बड़ा हो गया है और बच्चे कब बड़े होते हैं पता ही नहीं चलता, तो रियांश इस बार प्रॉपर अपने फ्रेंड के साथ पूरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और बहुत इन्जॉय भी कर रहा था वो। यहाँ पे ना रियांश की पसंद का केक बना हुआ है तो ये तभी बड़े चाप से खा रहा है। अगर कोई और फ्लेवर बना होता तो ये खाना तो दूर की बात है, उसको टच भी नहीं करता। तो बस बच्चों ने केक वगैरह खाने के बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी करी। और बच्चों का मन ना अभी भी नहीं भरा हुआ था तो लास्ट में इन्होंने यहाँ पे बैलून्स पार्टी भी कर ली। बस अब पार्टी तो ख़त्म हो गई है और हम भी घर वापस आ गए थे 8 o'clock तक। और यहाँ पे रियांश का गिफ्ट अनबॉक्स हो रहा है, उसको उसका बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट मिला हुआ है इस बार, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इस बार ना रियांश के बर्थडे पे सबने टेलीस्कोप गिफ्ट किया है उसको और हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे उसको लेने के लिए, लेकिन बस थोड़ा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बस उसको थोड़ी सी समझ आ जाए। तो एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा शौक है स्पेस का, तो बस हम लोगों ने उसे यही गिफ्ट किया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।